बहुत पहला तीन पिगलेट्स अपनी माँ दे नाल एक निक्के जहे कार विच रहंदे सी। समय आ गया सी कि हुण ओ कार छड़ के अपनी नवी जिंदगी बसान अपने आप। उन्हां दी माँ ने तिन्हां नूं अपने कोल बुलाया। मेरे जवाको, हुण समय आ गया है कि तुसी दुनिया वेखो, अपनी नवी जिंदगी दी शुरुआत करो। भुलना ना, तुसी चाहे जो भी करो ओनू पूरा जी ला के करना। जिंदगी जीण दा ए सब तो सही तरीका है। थोड़ी जही उदासी अते थोड़ी जही खुशी नाल तीनों पिगलेट्स अपनी मां नू मिलके निकल पए। थोड़ी देर चलण मगरों ओना नू एक जमीन मिली जिथे ओ अपना घर बना सकदे सी। सब तो निक्के पिगलेट ने कां नाल अपना घर बनाण दी सोची। ओनू लग्या फटाफट सोखे ही एक घर बन जावेगा अते खेलण लई बहुत समय मिलेगा। निक्के दा घर एक दिन विच बन के तैयार हो गया। ओने अपने प्रा नू कहा, वेखो मेरा घर बन गया। बड़ा पिगलेट घर नू वेख के बोलिया, ओहो आ घर तां बिलकुल भी टिकाऊ नहीं है, असी भेड़िए तो किवें बचांगे। निक्के ने बड़े दी गल नू रफा दफा कर दिता। टेंशन ना लवो, कुछ नहीं होवेगा। बाद च फेर ना कहना कि किसी ने कहा नहीं। पिछले पिगलेट ने अपना घर लकड़ी नाल बनाण दी सोची। जंगल विच्चों टहनियां कठियां करके ओ अपने काम विच लग गया। तीजे दिन बिचले दा घर भी बन गया। एक घर का वाले घर नालों ज्यादा टिकाऊ सी। बड़ा ओदे घर नू वेख के बोलिया, तू बड़ी मेहनत ना बनाया इस नू, बड़ा सुंदर घर है, पर की इस विच असी भेड़िए तो बच सकांगे। बिचला बोलिया, बिल्कुल सुरक्षित है, क्यों टेंशन ले रहे हो। बाद विच नहीं कहना कि किसी ने कहा नहीं। निक्का अते बिचला जदों अपने अपने घर विच मौजा ले रहे सी, बड़ा अपना घर बना रहा सी। ओ इट्टा अते पत्थरा नाल अपना घर बना रहा सी। बाकी दोनों नू लग रहा सी कि ओ फिजूल ही इन्ना काम कर रहा है। ओ दोनों खेल कूद के अपना समा बिता रहे सी। जदो साडे वर्गा छेती छेती घर बन सकदा है ता एनी मेहनत क्यों। किन्ना डरदा है। बड़े ने उन्ना दे गल्ला उते ध्यान नहीं दिता। पूरे 7 दिन मेहनत करके उन्हें अपना शानदार अते मजबूत घर बनाया। अगले ही दिन एक भुखा पेड़िया उन्ना दे इलाके विच आया। उन्हें का दा घर वेख्या ते ओ रुक गया। निक्का सोफे उत्ते बैठा आराम फरमा रहा सी। पेड़िये ने बूहा खड़काया। दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना है। नहीं खोलोगे ता 2-4 फूक मार के घर उड़ा देंगा। तुसे कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर बहुत मजबूत है। पेड़िये ने जोर नाल अपने मुंह विच्चों सा छड़िया अते कार टूट गया। निक्का जीवे तीवे पज के निकल गया अते पजदा होया बिचले दे लकड़ी वाले कार पहुंच गया। ओदे बूहा खड़कांदे ही बिचले ने बूहा खोल दिता अते निक्का अंदर जाके लुक गया। छेती बंद कर बूहा, पेड़िया आ जावेगा। घबरा ना, ओ इस घर च नहीं आ सकदा। उसे वेले पेड़िया उथे पहुंचया अते आवाज मारी, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना है। नहीं खोलोगे ता 2-4 फूक मार के घर तोड़ देंगा। कुछ नहीं कर सकता तू। पेड़िये ने जोर नाल अपने मुंह विच्चों सा छड़िया अते घर टूट गया। जीवे तीवे दोनों प्रा पाज के बड़े दे घर पहुंचे। बड़े, पेड़िया पिछे पिया है, की करिए। बड़े ने उन्ना नू परोसा दिता। टेंशन नहीं लेनी, एदां दा कुछ नहीं होना। थोड़ी देर बाद ओ भुखा पेड़िया एथे भी पहुंच गया।
दरवाजा खोलो मैं अंदर आना है, नहीं खोलोगे ता दो चार फूक मार के घर तोड़ देंगा। कोशिश भी ना करना, ऐदा ना कुछ भी नहीं कर सकेगा। भेड़िए ने गुस्से विच अपने मुंह विचों सा छड़िया, पर ओ कार हिलिया भी नहीं, पोरा भी नहीं, एक इट भी नहीं हिला सकिया। ओ थक हार के ओने दूजी तरकीब सोची। कार दे उत्ते एक चिमनी सी, अते ओ ओदे उत्ते चढ़न लग पिया। ओनू चढ़दे हुए वेख के ओनू अंदर आन तो रोकण वास्ते बड़े ने फायरप्लेस विच अग बाल दिती, अते एक पानी दा पांडा ओदे उत्ते रख दिता। भेड़िया चिमनी दे उत्ते पहुंचदे ही चिमनी दे अंदर उतरन लग पिया, अते सीधा उबलदे हुए पानी विच डिग गया। तीनों भरा भेड़िए नू हरा के एक दूजे नाल गले मिले। तीनों भरा अगले दिन अपनी कहानी सुनाण लई मां कोल गए। निक्का सब तो पहला बोलिया, तुसी सही कहा सी, जेड़ा भी कम करोगे पूरा जी लाके करना, पूरा जी लाके करोगे ता ही कामयाबी मिलेगी। उस दिन तो बाद निक्के अते बिचले ने आलस छड़ दिता, बड़े भरा वर्गी मेहनत करन लग पाए अते हसी खुशी जिंदगी जींदे रहे। कई साल पहला एक खेत विच जानवरां नू बिना भोजन दे छड़ दिता गया सी। लाल मुर्गी ने खाण दे लई कुछ लब्बण दे लई पूरा खेत घूमण दा फैसला कीता। ओ पहला गां दे कोल गई। की तू खाण दे लई कुछ लब्बण दे लई मेरे नाल आवेंगी? नहीं, मैं नहीं आ सकती, बहुत गर्मी है, मेरे तो चलिया नहीं जावेगा। फिर ओ सुवर दे कोल चली गई। की तू मेरी भोजन लब्बण विच मदद करेगा? नहीं, मैं नहीं आवांगा, बहुत गर्मी है, मेरे तो इत्थों हिलिया भी नहीं जा सकेगा। बाद विच ओ कुत्ते दे कोल गई। की तू मेरी भोजन लब्बण विच मदद करेगा? नहीं, मैं नहीं आ सकता, बहुत गर्मी है, मैं तो चल भी नहीं सकता। ते आखर विच ओ बत्थक दे कोल गई। की तू खाण दे लई कुछ लब्बण दे लई मेरे नाल आवेगा? नहीं, मैं नहीं आ सकता, बहुत गर्मी है, मैं पानी तो बाहर नहीं आ सकता। जद कोई भी उदे नाल आण दे लई तैयार नहीं होया तां मुर्गी ने आप ही खेत छड्डण दा फैसला कीता। तुरदे तुरदे उसनू जमीन ते कुछ कणक दे दाणे लब्बे। ओ बहुत खुश होई ते खेत विच वापस आ गई। उसने कणक दे दाणियां नू बोण दा फैसला कीता। उसने सोचा कि उसदे दोस्त उसदी मदद करनगे। गां वेख मेनू कणक दे दाने मिलने ने, की तू मेरे नाल उना नू बोना चाहेंगी? नहीं, मैं पहला ही दस्या ना तेनू, बहुत गर्मी है। मुर्गी सुअर दे कोल गई। सुअर वेख मेनू कणक दे दाने लब्बे ने, की तू उना नू मेरे नाल बोवेंगा? नहीं, मैं नहीं कर सकता, इस दे लई मौसम बहुत गर्म है। ओ कुत्ते दे कोल गई। दोस्त मेनू कणक दे दाने मिले ने, की तू मेरे नाल उना नू बोवेंगा? नहीं, बहुत गर्मी है। ते आखर विच ओ बत्थक दे कोल गई। ओ बत्थक वेख मैनू कणक दे दाने मिले ने, की तू मेरे नाल बोएंगा? नहीं, मैं इस गर्मी विच पानी तो निकल ही नहीं सकदा। ठीक है, मैं आप ही बो लवांगी। जद उसने वेख्या कि कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता सी, तां उसने आप ही दाने बोण दा फैसला कीता। हफ्ते गुजर गए, बरसात दे दिन शुरू हो गए सी, बीज उग आए सी, पर बगीचे विच उगी जंगली घा की सफाई करन दी लोड़ सी। घा नू साफ करन विच मेरी मदद कौन करेगा? ए हुण बहुत गंदा है, मैं तेरी मदद नहीं कर सकदी। मैं ता कर ही नहीं सकदा, मैं अपनी थां नहीं छड़ सकदा, मैं गंदा हो जावांगा, मैं नहीं कर सकदा, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकदा। जी ए गल है ता मैं आप ही कर लवांगी।
लाल मुर्गी ने बगीचे दे विच उगे जंगली घा नू साफ करना शुरू कर दिता। कणक उगण दे कुछ चिर बाद ही हुण कणक दी कटाई दा समा आ गया सी। मुर्गी अपने दोस्तां कोल गई ते पुछया कि ओ फसल कटण विच ओदी मदद करनगे। गा, कणक उग गई है, कि फसल कटण विच मेरी मदद करेंगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती। सुवर, वेखेंगा कि कणक किवें दी उगी है, कि तू फसल कटण विच मेरी मदद करेंगा? नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर रहा है। मेरे दोस्त, कणक उग गई है, कि तू फसल कटण विच मेरी मदद करेंगा? कौन मैं? बिल्कुल नहीं। ओ मेरे बत्तख दोस्त, कणक उग गई है, कि तू फसल कटण विच मेरी मदद करेगा? बेशक मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अपने आप ही कर लवांगी। छोटी लाल मुर्गी ने देर रात तक काम किया। उसने कणक दे एक एक बूटे दी आप ही कटाई की थी। हुण कणक नू आटे विच बदलन दा समा सी। ओ अपने दोस्तां तो मदद मंगन गई। सानू आटा बनाने दे लई कणक नू पीसना होवेगा, कौन कौन मेरी मदद करेगा? नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं काम करन दी हालत विच नहीं हां। मैं भी कोई मदद नहीं कर सकता, ये मेरा सौन दा समा है। मैं तो बिल्कुल ही मदद नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, मैनू पानी में ठंडा होने दी लोड़ नहीं है। मुर्गी ने चक्की विच कणक पीस के आटा बना लिया। चलो हुण स्वादी स्वादी रोटी बनाने आ। मुर्गी अपने दोस्तां दे कोल गई। ओ उन्हां नू इक आखरी मौका देना चाहुंदी सी। गां, मैं रोटी बनान जा रही हां, कि तू मेरी मदद करेंगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती, मेरी काम करन दी हालत नहीं है। ते तू सुवर? आज नहीं, मैं बहुत थक गया हां। नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता, उदा भी मैनू पता नहीं रोटी किवें बना देने। इस बार मुर्गी नू बहुत गुस्सा आ गया सी। ओ आप ही रसोई च गई। सब तो पहला उसने जिस आटे नू बनाया सी ओदी रोटी बनाई, फिर उसनू एक आकार दिता, ते आखर विच ओवन विच पा के ओदी पकण दा इंतजार करन लगी। रोटी दी कमाल दी खुशबू फैलण दे बाद उसने इसनू ओवन तो बाहर कढ़िया। बगीचे विच गई ते मेज ते बह गई। फिर उसने अपने दोस्तां नू बुलाया। दोस्तों, रोटी तैयार है, कौन इनू मेरे नाल खाना चाहेगा? मुर्गी दे सामने एनी वधिया रोटी वेख के सारे कट्ठे ही उदे सामने आके खड़े हो गए। मैनू थोड़ी चाहिदी है। मैनू भी वाह वाह लगी है, ए सही वेला है दोस्त। कि मैनू भी, मैनू रोटी पसंद है, आओ चलो खाइए। नहीं, मैं नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती। मैं सब कुछ अपने आप ही किता, सिर्फ मैं इनू खान दी हकदार हां, सब कुछ मैं अपने दम ते किता। बड़े चा नाल मुर्गी ने रोटी नू खाना शुरू किता, पर ओ ए गल भी भुल नहीं पा रही सी कि उसदे दोस्त भी भुखे ने। हुण तो जे तुसी मदद करन दा वादा करदे हो तां ही मैं अपनी रोटी तुहाडे नाल वंड सकदी हां। खेत दे सारे जानवर शर्मिंदा सी, उन्हां नू पता सी कि ओ सही कह रही है। मुर्गी जानदी सी कि उसदे दोस्तां ने एक चंगा सबक सिखिया है, सो उसने अपनी रोटी उन्हां दे नाल वंड लई। एक चंगे खाने दे नाल ओ हुण भरे पेट बहुत खुश सी।